तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था ना, लड्डू बनाते हुए, है ना मनी? हाँ दीदी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था और मैंने उसमें बोला था कि मैं सब करके मुंबई जा रही हूँ, वो भी किससे बनी? ट्रेन से। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं ट्रेन से, और जाने से पहले पैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो चलो एक साथ पैकिंग करते हैं। हाँ बनी, चलो गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना कपड़ा, मतलब अपने कपड़े। तो दोस्तों, ये है मेरे कपड़े, ये पैंट, लोअर, ये सब इसमें रखा हुआ है। और चलो अब दूसरा पटारा खोलते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कितना सब है। ये नूडल हैं जो कि मैंने रखे थे, और ये मैगी के 4 पैकेट हैं, नीचे कहीं दब रहे होंगे। और ये क्रैक जैक का 1 पैकेट, और एक टोस्ट, 2 टोस्ट के पैकेट, ठीक है। तो दोस्तों, और यहाँ पे एक और जिप दी गई थी, तो इसे खोल के मैंने इसमें देखा क्या क्या रखा है। तो दोस्तों, ये मेरा रिबन्स हैं बालों में लगाने वाले। तो ये मेरा क्यूट सा पिंक रिबन, और ये एक क्यूट सा टाइगर वाला रिबन। इस पाउच में मैंने अपनी क्लिप्स, बॉबी पिंस और सब रखी हैं। तो दोस्तों, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आप और मेरा चलिए बढ़ते हैं आगे। ओ दोस्तों, मैं एक काम, एक चीज़ करके दिखाऊं। जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, इसे बिठाया, ये निकाल के इसकी ऐसी चोटी बना दी है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है क्या है? जुजुजुजुजुज। गाइस, मेरे साथ प्रैंक हो गया, मतलब बनी ने मुझे धोखा दे दिया अपनी जिप तोड़ के। कोई बात नहीं गाइस। ओ वाओ, इसके अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ओ, मुझे एक क्लिप मिली। चलो बनी को लगा के दिखाते हैं। बनी, चलो चलो क्लिप लगा लेते हैं। अरे वाओ दीदी, मैं कितनी क्यूट दिख रही हूँ। अब दीदी, मैं इसे लगा के डोलूंगा। तो दोस्तों, तो दोस्तों, ये जो क्लिप थी ना, मेरा बनी कह रहा है कि एक क्लिप इसे भी लगानी है ऐसे। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, इसकी जेब में रख देते हैं इसकी क्लिप है, ऐसे पट्ट बनी, ये लगानी है आपको, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों, मैं समझ नहीं आ। तो दोस्तों, ये मेरा पर्स है एक्चुअली, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरे बनी जैसा है। तो चलो, इसके अंदर पिटारे में अपनी क्लिपें रख देते हैं। बनी, अपनी पहननी, वरना आपके बाल टूट जाएंगे, वरना आप गंदे हो जाओगे। तो कोई बात नहीं गाइस, ये है, और ये सब रिबन विबिन मैंने इसमें रख रखे हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है मेरे दूसरे की। इसमें पता नहीं मैंने क्या रखा। दो पैकेट इसमें और एक कैचअप जो कि हमने खरीदा था, और मैंने एक ये फेस वॉश जॉय का रखा है, स्किन ब्राइटनिंग, हाँ हाँ, और ये रेड लेबल, नहीं, हाँ, डाबर रेड है, कोलगेट। और दोस्तों, आगे का मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। हम अभी और भी चीज़ें रखना बाकी है, तो गाइस मेरा अगला व्लॉग आएगा तो उसे देखना मत भूलेगा, है ना बनी? हाँ गाइस, मेरा अगला व्लॉग देखना ना भूलेगा। अभी के लिए बाय बाय बाय। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं जा रही हूँ मुंबई, ट्रेन पंजाब मेल कोच 3rd AC।
तो दोस्तों, ये ट्रेन 24 आवर्स में आपको आगरा कैंट से मुंबई पहुंचा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज सुबह के 8 बजे बैठे इस ट्रेन में, तो आपको कल सुबह के 8 बजे ही यह पहुंचा देगी। और आगरा के, आपको तो पता ही होगा, आगरा में 2 जगहें हैं, पहला आगरा कैंट, दूसरा आगरा रेलवे स्टेशन। ये 2 जगहें हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये ट्रेन आगरा कैंट और राजा की मंडी इन दोनों जगहों पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुकती है। तो यात्रियाँ पहले से ही खड़े हो जाएं और सतर्क हो जाएं, जिससे उनकी ट्रेन ना छूटे। तो दोस्तों, चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक अच्छे व्यू के साथ और एक अच्छे मौसम के साथ। रेलगाड़ी आगे इंजन से निकलता धुआं, पीछे लगे डिब्बे डिब्बों पर बैठे हम और तुम। आगे इंजन से निकलता धुआं, पीछे लगे डिब्बे डिब्बों के अंदर बैठे हम और तुम। रेलगाड़ी अब पता नहीं कौन सा आएगा स्टेशन, उस स्टेशन से बैठे गा कौन कौन। रेलगाड़ी शोर मचाती, सीटी बजाती, सबको अपनों से मिलवाती। रेलगाड़ी आगे इंजन से निकलता है धुआं, पीछे लगे हैं डिब्बे, उन डिब्बों में बैठे हम और तुम। रेलगाड़ी पता नहीं कौन सा आएगा स्टेशन, पता नहीं कौन कौन बैठेगा। दोस्तों, मुझे मेरे को पैसेंजर मिले थे, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि इनका जो बच्चा है वो मेरे ही स्कूल में है। और हम इतनी जल्दी फ्रेंड्स बन गए कि हमें पता ही नहीं चला। और देखिए, ये जो लटक रहा है ना बंदर, यही मेरा दोस्त है। इसका नाम शिवांश है, लेकिन हम लोग इसे शिव बुलाते हैं। देखिए कैसे लटक रहा है, और मैं ऊपर बैठी हुई हूँ आराम से अपर सीट पर, और इसे पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है, बार बार लटक रहा है। और जो हमें को पैसेंजर मिले थे वो बहुत ही अच्छे थे, हमने बहुत सारी मस्ती करी थी उनके साथ। दोस्तों, आप सामने वाली सीट पे देख सकते हो, एक बच्चे को आंटी मार रही थी अभी। और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, और हमें बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है पहाड़ों का। यहाँ पे जंगल और पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हमने सुना है कि मुंबई में बारिश भी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और क्या आपको मेरी यात्रा की वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने मुंबई में लगातार बारिश होती है, जून से लेकर सितंबर तक, और हम भी जून के महीने में ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसी बारिश पड़ती है। अगर आपको जूहू बीच, मरीन ड्राइव और सुपरस्टार्स के घरों का आनंद लेना है, तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे चंबल नदी। जी हाँ, तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम चंबल नदी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। तो दोस्तों, यही है चंबल नदी। और तो दोस्तों, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा का और अच्छे से आनंद उठाते हैं।
तो दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पहाड़, ये जंगल, इन दोनों को मिला के कितनी अच्छी खूबसूरत जगह बनी है। और आप देख सकते हो पीछे बड़े बड़े पहाड़। और गाइस, ये देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा है मुझे। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हूँ मैं जो कि ऊपर बैठ के देख रही हूँ, और मेरा दोस्त शिवा लटक रहा है बंदरों की तरह। तो उससे आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। और गाइस, आप मुझे देख सकते हो, मैं अपर सीट पे बैठी हुई हूँ, आराम से इसी का आनंद उठा रही हूँ। और यहाँ पे बाहर का भी नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है, वेदर क्लाइमेट बहुत ही अच्छा हो गया है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, अब आगे चल के मैं आपको नर्मदा नदी भी दिखाऊंगी। जी हाँ, चंबल नदी है और एक नर्मदा नदी। अगर मित्रों, मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ और वैसे भी गलतियाँ किससे नहीं होती। तो दोस्तों, ये है नर्मदा नदी। तो दोस्तों, ये है नर्मदा और ये बहुत तेज़ चल रही है ट्रेन, लेकिन तब भी आपको लग रहा है कि स्लो चल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी ही है कि मुझे भी लगा था कि हमारी ट्रेन स्लो चल रही है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी यात्रा, थोड़ा थक से गए हैं अब तो, और थोड़ा बोरिंग सा भी लग रहा है। 24 आवर्स ट्रेन में गाइस, ऐसे धक 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 पूरा शरीर हिल जाता है गाइस, सच बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये आइसलैंड मुझे छोटा सा देखने को मिला था, और नर्मदा नदी में लोग फिशिंग भी कर रहे थे, मैंने नोटिस किया। तो दोस्तों, अब रात हो चुकी थी, मैं सो चुकी थी, आप देख सकते, अभी तो यहाँ पे बारिश भी पड़ रही है, और आप अब देख भी सकते हो कि मैं सो चुकी हूँ। देखिए गाइस, मैं कैसे सो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी, तो इसलिए अभी मैं आपको जू बीच वगैरह नहीं दिखा पाऊँगी, तो मेरी पार्ट 2 आएगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाय बाय।